अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनने वाला सूप, जो कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद पैन लेना है, उसको चूल्हे पर चढ़ाना है, 1 टीस्पून जितना घी शामिल कीजिएगा, 2 अदद आपने टमाटर लेने हैं, उनको आपने एक कट लगा के उनके 2 पीसेस कर लेने हैं, यानी कि हाफ में उनको कट कर लेना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब आपने इसके अंदर इस तरीके से टमाटर रख देने हैं। आप बटर भी ले सकते हैं लेकिन 1 चम्मच लीजिएगा। अगर घी ले रहे हैं तो वो बहुत बेस्ट है, देसी घी है तो वो प्रेफर करूँगी मैं। तो 1 टीस्पून जितना आपने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और कोशिश कीजिए कि डाइट में अपनी 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना घी ज़रूर शामिल करें। ये बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको जो है रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छा रहता है सारा सिस्टम आपका। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है, अब साइड में इसकी चेंज कर रही हूँ। बेसिकली टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएंगे तो ये जल्दी पक जाता है इस तरीके से बनाने से। 2 अदद मैंने लहसुन के जवे डाले हैं इसके अंदर कट करके, और इनको भी मैं इस तरीके से सेक लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें या आप इसके अंदर घी डालें। ऑयल ले रहे हैं तो ऑलिव ऑयल लीजिएगा, घी ले रहे हैं तो देसी घी या नॉर्मल घी भी आप यूज कर सकते हैं 1 टीस्पून जितना। टमाटर आप देख सकते हैं इसको तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट किया है दोनों साइड से टोटल, और 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, और उसके बाद मैंने जूसर ब्लेंडर के अंदर टमाटर और लहसुन के जवे इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद ब्लेंड कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इनको ब्लेंड करना है ताकि इनकी पेस्ट बन जाए। छिलके मैंने रिमूव नहीं किए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सारा ब्लेंडर में जो मिक्सचर है उसको पैन में डालना है, और 1 कप पानी जो है आपने लेना है, और ये इस तरीके से जूसर के अंदर आपने डालना है ताकि जितना भी टमाटो का पेस्ट है वो सारा आप पैन में डाल दें। अगर आप ऐसे ही पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना, सिर्फ 1 कप डालना है। सो अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है मेथी, ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून जितनी। नमक आपको मैंने दिखाया है कितना, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी जितनी, और यही सारी चीज़ें डालनी हैं आपने इसके अंदर, कोई चीज़ नहीं डालनी है। और आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है तेज़ आंच के ऊपर ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, और जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने इसकी फ्लेम जो है वो कम कर देनी है, यानी कि लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, अनटिल और अनलेस ये प्रॉपरली कुक हो जाए। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और ये जो है इसके अंदर कोई कॉर्न स्टार्च, कोई कॉर्न फ्लोर आपने नहीं डालना है, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। सो आपने यही कंसिस्टेंसी रखनी है, और बगैर कुछ डाले ही आप देख सकते हैं ये बहुत थिक है। आप चाहें तो 3 टमाटर भी ले सकते हैं, लेकिन पानी आपने इतना ही डालना है, ठीक हो गया। सो आपने जो है इस तरीके से बनाना है इसे, और ये आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम जो थी वो लो कर दी है, और 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, इसमें बॉयल आ चुका, लो फ्लेम कर दी है, और अब इसे ढक के मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है। और अब आप देख सकते हैं मैं इसको उठाऊंगी ढक्कन को, एहतियात से उठाइएगा, ढक्कन गर्म होगा। सो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली कुक हो चुका है, मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया, हर चीज़ परफेक्ट है, नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक हो गया, क्योंकि आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। अगर आपने वैसे ही टेस्ट करने के लिए बनाना है तो आप 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल सकते हैं, वैसे आपने नमक कम डालना है अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सूप तैयार हो चुका है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आप इसको लंच या डिनर दोनों में से किसी भी टाइम ले सकते हैं, आप शाम में भी ले सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत हेल्दी, बहुत इफेक्टिव है। PCOS के मरीज, डायबिटीज़ जिनको है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, BP के पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको एक मील का आइडिया भी मिल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और लास्ट में आपने क्या करना है, जब आप इसको पकाएं और ढक्कन उठाएं इसको धीमी आंच पे रखने के बाद, तो आपने दोबारा से फ्लेम को हाई कर देना है ताकि इसके अंदर जोश आ जाए, एक बॉयल आ जाए, और फिर चूल्हा बंद करें, इसको सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।